कर्नल फरीदी अपनी रिहायशगाह के सिटिंग रूम में बैठा हुआ एक किताब के मुताले में मसरूफ था। साथ ही कॉफी की प्याली पड़ी हुई थी। वो किताब पढ़ने के साथ साथ कॉफी सिप कर रहा था कि अचानक कमरे का बंद दरवाजा खुला और कैप्टन हमीद अंदर दाखिल हुआ। ओहो, तो मुताला किया जा रहा है, कैप्टन हमीद ने चहकते हुए लहजे में कहा। किताबों का मुताला करना जुर्म तो नहीं है, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने कब कहा है कि जुर्म है, कैप्टन हमीद ने मुंह बनाते हुए कहा और साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। तो कर्नल फरीदी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मैंने लफ्ज किताबों कहा है, कर्नल फरीदी ने कॉफी की प्याली उठाकर मुंह से लगाते हुए कहा। मुताला किताबों रिसालों का ही किया जाता है, कैप्टन हमीद ने जवाब दिया। और मुशाहिदा, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कैप्टन हमीद बेख्तियार चौंक पड़ा। मुशाहिदा क्या मतलब, यह आपने क्या पहेलियां बुझवानी शुरू कर दी है, कैप्टन हमीद ने कहा और कुर्सी से उठने लगा। बैठो, कुछ देर मेरे पास भी बैठ जाया करो, कर्नल फरीदी ने कहा। तो कैप्टन हमीद के चेहरे पर यकलक हैरत के तासुरात उभर आए। आज आपके मूड की मुझे समझ नहीं आ रही, कैप्टन हमीद ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जिसका मुताला मुशाहिदा करके आ रहे हो उससे पूछ लेना, कर्नल फरीदी ने कहा। तो कैप्टन हमीद और ज्यादा चौंक पड़ा। क्या मतलब, मैं किसका मुताला और मुशाहिदा करता रहा हूँ, कैप्टन हमीद ने कहा। किताब हुस्न का मुताला और मुजस्समा हुस्न का मुशाहिदा तो करते रहे हो रैम्बो रेस्टोरेंट में, कर्नल फरीदी ने सबब लटते हुए कहा। तो कैप्टन हमीद ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। ओ, तो इस सारी तमहीद का मतलब ये था कि आपको मेरा कैप्टन साइमा के साथ रेस्टोरेंट में बैठना पसंद नहीं आया, क्या मैं वजह पूछ सकता हूँ, कैप्टन हमीद ने मुंह बनाते हुए कहा। तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मुझे पसंद नहीं आया, कर्नल फरीदी ने पूछा। तभी तो आप इस तरह तजिया लहजे में बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कैप्टन साइमा के साथ बैठकर कोई जुर्म कर लिया हो, कैप्टन हमीद ने कहा। तुम्हें कैप्टन साइमा ने यह तो बताया होगा कि वो शादीशुदा है, कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। तो कैप्टन हमीद बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए थे। क्या मतलब, साइमा शादीशुदा है? नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा, और कैप्टन हमीद ने बौखलाए हुए लहजे में कहा, और इस बौखलाहट की वजह से उससे फिक्रा भी मुकम्मल न हो सका था। इसमें इतना बौखलाने की क्या बात है, क्या लड़कियों की शादियां नहीं होती, कर्नल फरीदी ने इस बार कैप्टन हमीद की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा। होती तो है, मगर नहीं, अगर ऐसा होता तो वो मुझे बता देती, कैप्टन हमीद ने अपने आप को संभालते हुए कहा। वो वाकई शादीशुदा है, कर्नल अब्दुल्ला के बेटे से उसकी शादी हो चुकी है, कर्नल अब्दुल्ला का बेटा आला तालीम के लिए एकेडमिया गया हुआ है, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कैप्टन हमीद के चेहरे पर यकलत नागवारी के तासुरात उभर आए। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था, कैप्टन हमीद ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर तुम क्या करते, कर्नल फरीदी ने लुत्फ लेते हुए कहा, क्योंकि वो कैप्टन हमीद की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ था कि कैप्टन हमीद शादीशुदा लड़कियों से बेहद एलर्जिक रहता है। गो से मालूम था कि कैप्टन हमीद का किरदार बेदाग है और वो सिर्फ फ्लर्ट करता है। मैं अपना वक्त तो जाया न करता हूँ, कैप्टन हमीद ने कहा। उसका चेहरा बता रहा था कि उसका मूड कर्नल फरीदी की बात सुनकर ऑफ हो चुका था। क्या मतलब, शादीशुदा लड़कियों से बातचीत करने, उनसे रेस्टोरेंट में बैठकर गप्पे मारने से वक्त ज़ाया होता है, और गैर शादीशुदा लड़कियों से ऐसा करने में वक्त ज़ाया नहीं होता, कर्नल फरीदी ने कहा। बस आपको इन बातों का क्या इल्म, अब तो वैसे ही हर किस्म के जज्बात वो एहसासात के मामले में पत्थर है। इसका मतलब है कि साइमा ने मुझे अहमक बनाया है, वो मेरी बातों पर दिल ही दिल में हंस रही होगी, कैप्टन हमीद ने गुर्राते हुए कहा। उसे अब उसकी सारी बातें याद आ रही थी जो उसने कैप्टन साइमा से की थी। किन बातों पर, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कैप्टन हमीद बेख्तियार एक झटके से खड़ा हो गया। मैं जा रहा हूँ, कैप्टन हमीद ने कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। ठहरो, मुझे तुमसे चंद जरूरी बातें करनी है, इस बार कर्नल फरीदी की इंतहाई संजीदा आवाज सुनाई थी। तो कैप्टन हमीद एक झटके से मुड़ा। ये बातें सुबह नहीं हो सकती, कैप्टन हमीद ने उसी तरह गुस्सीले लहजे में कहा। नहीं, अब कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक दिन दरमियान में रह गया है और हमारे लिए एक एक लम्हा कीमती है, कर्नल फरीदी ने उसी तरह इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो कैप्टन हमीद खामोशी से दोबारा उसी कुर्सी पर बैठ गया जिस पर वो पहले बैठा हुआ था। फरमाइए, कैप्टन हमीद ने कहा। दारुल हुकूमत से दूर एक पहाड़ी सिलसिला है, ऊंचे ऊंचे टीलों का सिलसिला, वहाँ एक रडार स्टेशन कायम है, मैं उस रडार स्टेशन का चक्कर लगा आया हूँ। वहाँ वैसे तो हर चीज ओके है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जीरो फोर्स के साथ उस रडार स्टेशन के गिन बकायदा पहरा दो, कर्नल फरीदी ने कहा। तो कैप्टन हमीद चौंक पड़ा। रडार स्टेशन, और वो भी दारुल हुकूमत से दूर, वहाँ क्या है? कॉन्फ्रेंस तो दारुल हुकूमत में हो रही है, कैप्टन हमीद ने हैरत भरे लहजे में कहा। हमें हर तरफ का ख्याल रखना है, गो बज़ाहिर तो ऑस्टिन से मालूम होने वाले तमाम ग्रुप्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, और मजीद कोई आदमी या ग्रुप बाकी नहीं रहा,
लेकिन इसके बावजूद कुछ कहा नहीं जा सकता। कर्नल फरीदी ने कहा, आपका मतलब है कि कोई ग्रुप उस रडार स्टेशन पर कब्जा कर लेगा या उसे तबाह कर देगा, फिर क्या होगा, उससे कॉन्फ्रेंस पर क्या असर पड़ेगा? कैप्टन हमीद ने उलझे हुए लहजे में कहा, कॉन्फ्रेंस हॉल पर मिसाइल भी फायर किए जा सकते हैं। ऑस्टिन का एक ग्रुप बाकायदा इस मंसूबे पर काम कर रहा था जिसका इंचार्ज एंथोनी था। उन लोगों ने ऐसी तमाम इमारतों पर मिसाइल फायर करने के लिए जगहों का इंतखाब कर लिया था जहां कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले वफदों ने ठहरना था। अगर ये लोग पकड़े ना जाते तो फिर यकीनन हमारे लिए बेहद प्रॉब्लम था। लेकिन अब भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ऐसा निजाम कोई और कर रहा हो, और ये भी हो सकता है कि उसका इल्म ऑस्टिन को भी ना हो, कर्नल फरीदी ने कहा। तो आपका मतलब है कि रडार स्टेशन से कॉन्फ्रेंस हॉल पर मिसाइल फायर हो सकते हैं? कितना फासला है यहाँ से उस रडार स्टेशन का? कैप्टन हमीद ने मुंह बनाते हुए कहा। फिजा से तकरीबन 25 किलोमीटर हो जाएगा, कर्नल फरीदी ने कहा। मेरा ख्याल है कि आप आसाबी तौर पर थक गए हैं, आपको आराम करना चाहिए, कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कर्नल फरीदी बेख्तियार हंस पड़ा। तुम शायद ये बात इस फासले को मद्देनजर रखकर कह रहे हो, लेकिन मौजूदा दौर में ये फासला क्या हैसियत रखता है? आजकल तो बैनुल बर्रे आजमी मिसाइल तैयार हो रहे हैं, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हो रहे होंगे, लेकिन ऐसे मिसाइल यहाँ कैसे लाए जा सकते हैं? क्या इस कदर फासला तय करने वाले मिसाइल छोटे से पत्थर जितने होंगे कि उन्हें गुलायर में रखकर मार दिया जाता होगा? कैप्टन हमीद ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, मिसाइल बहरहाल मिसाइल होते हैं, और हुकूमत ने ऐसे असले को कासा में दाखिल होने से रोकने के लिए बड़े सख्त इकदाम किए हैं। लेकिन इसके बावजूद तुम जानते हो कि ऐसा हो सकता है। ऐसे ऐसे रास्ते होते हैं जिनका इल्म हुकूमत के अहलकारों को सिरे से नहीं होता, या फिर दौलत का लालच भी काम दिखा सकता है, कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। तो कैप्टन हमीद ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। लेकिन आपने इस रडार स्टेशन को ही क्यों मुंतखब किया है? क्या किसी और इमारत से मिसाइल फायर नहीं हो सकता? कैप्टन हमीद ने कहा। इस रडार स्टेशन की बुलंदी ऐसी है कि अगर वहां से मिसाइल फायर किया जाए तो वो बगैर किसी रुकावट के कॉन्फ्रेंस हॉल तक पहुंच सकता है। इसके अलावा जितनी भी ऐसी इमारतें हैं उन पर फौज और सिक्योरिटी की सख्त निगरानी होगी, क्योंकि ऐसी इमारतें बहरहाल शहर में ही है, शहर से बाहर नहीं है। बाहर सिर्फ यही रडार स्टेशन ही है और इसके इर्द गिर्द का इलाका वीरान है, कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें ये सारा काम करने की बजाय हुकूमत से कह देना चाहिए, वो वहाँ फौज का कोई दस्ता तैनात कर देगी, कैप्टन हमीद ने कहा। तुम कैप्टन साइमा को साथ ले जाना, फिर तो वो वीराना तुम्हें वीराना ना लगेगा, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब उसका नाम ना ले, बस ठीक है, मैं सुबह चला जाऊंगा, कैप्टन हमीद ने कहा और कुर्सी से उठकर एक बार फिर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसी लम्हे कर्नल फरीदी के साथ तिपाही पर पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी, तो कर्नल फरीदी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। कैप्टन हमीद फोन की घंटी की आवाज सुनकर मुड़ा और फिर रुक गया। यस, हार्टस्टोन, कर्नल फरीदी ने अपने मखसूस लहजे में कहा। जो पीरो मुर्शिद खुद हार्टस्टोन हो, उसने अपने मुरीद के दिल में क्या गुदास, मेरा मतलब है क्या नरमी पैदा करनी है? दूसरी तरफ से इमरान की चहकती हुई आवाज सुनाई थी और कैप्टन हमीद के कानों में इमरान की हल्की सी आवाज पड़ी, तो वो मुंह बनाता हुआ मुड़ा और फिर तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया। अगर गद्दास दिल का इतना ही शौक है तो फिर तुम्हारी अम्मा भी से बात करूं, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे अरे, आपको शायद मुरीदों का जिंदा रहना पसंद नहीं है, इमरान ने कहा। तो कर्नल फरीदी बेख्तियार हंस पड़ा। इस वक्त रात को कैसे फोन किया है, वो तुम्हारे मिशन का क्या हुआ? कर्नल फरीदी ने मौजू बदलते हुए कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि इमरान ने अस खुद धारे पर आना ही नहीं, वो मुसलसल इधर उधर की बातें ही करता रहेगा। मैं अपने मिशन के गद्दार दिल से ही फोन कर रहा हूँ, इमरान की आवाज सुनाई थी, तो कर्नल फरीदी बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? क्या तुम रॉल्प के एरिजोना वाले हेडक्वार्टर से बात कर रहे हो, कर्नल फरीदी ने कहा। जी हाँ, वैसे मैं तो बड़े शौक से इन आलमी दहशतगर्द साहब को देखने गया था, लेकिन ये आलमी दहशतगर्द तो मुझे आलमी दिल गदास लगता है, इमरान ने जवाब दिया, और कर्नल फरीदी बेख्तियार हंस पड़ा। जब तुम वहाँ पहुँच जाओ तो उसका दिल तो गदास होना ही था, कर्नल फरीदी ने कहा, और दूसरी तरफ से इमरान के हंसने की आवाज सुनाई दी। मुझे रॉल्प ने बताया है कि आपने वहाँ किसी ऑस्टिन का दिल इस कदर गदास कर दिया है कि रॉल्प का सारा मिशन ही मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है, इमरान ने कहा। ओ, तो रॉल्प तक इसकी रिपोर्ट पहुँच गई है, इसका मतलब है कि अभी उसके आदमी यहाँ मौजूद है, कर्नल फरीदी ने चौंककर कहा। वो तो यही कह रहा है कि उसका कोई मुखबिर वगैरह है, उसने इत्तला दी है और उसके सारे ग्रुप्स आपने खत्म कर दिए हैं, लेकिन मैंने इस पर एक नफ्सियाती दाव आजमाया, मैंने उसे कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं उसे साथ लेकर कासा जाता हूँ और उसे कॉन्फ्रेंस हॉल में बिठा दिया जाएगा,
ताकि अगर कॉन्फ्रेंस हॉल तबाह हो तो साथ ही उसकी मौत भी वाकई हो जाए, जिस पर वो बुरी तरह घबरा गया। कोस ने फौरी तौर पर अपने आप पर काबू पा लिया, लेकिन बहरहाल उसका चेहरा बता रहा था कि वहाँ अभी कुछ ना कुछ हो रहा है और मैंने भी फोन इसलिए किया था ताकि आपसे पूछ सकूं। इमरान ने कहा, यहाँ ऑस्टिन और उसके सारे ग्रुप्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और बज़ाहिर तो यही मालूम होता है कि उनके सारे आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी चौकन्ना रहना चाहता हूँ। तुम उस रॉल्फ से मजीद मालूमात हासिल करो, हो सकता है कि उसने कोई ऐसा इंतजाम वाकई कर रखा हो जिसका इल्म हमें ना हो सके। कर्नल फरीदी ने जवाब दिया, ठीक है। दूसरी तरफ से इमरान ने जवाब दिया और कर्नल फरीदी ने खुदा हाफिज कहते हुए रिसीवर रख दिया और किताब उठाकर दोबारा उसका मुताला शुरू कर दिया। उसके जहन में सिर्फ वही रडार स्टेशन ही अटक रहा था और उसका इंतजाम उसने कर दिया था। उसे मालूम था कि अगर कोई कार्रवाई की भी गई तो कैप्टन हमीद जीरो फोर्स के साथ मिलकर बहरहाल उसे रोक लेगा। इमरान अपने साथियों समेत खुसूसी हेलीकॉप्टर में सवार जंगल के ऊपर से गुजरता हुआ एरिजोना की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। वो जब तदवीर और सलाका समय तालाब से निकलकर हेडक्वार्टर में दाखिल हुआ तो वहाँ वाकई कोई आदमी मौजूद ना था और सलाका की मदद से वो एक असला खाने तक पहुँच गया। असला खाने का इतना बड़ा स्टोर देखकर इमरान की आंखें हैरत से फैल गई थी। फिर असला भी इंतहाई जदीद साख का और कीमती था। इमरान ने वहाँ एक नहीं बल्कि कई वायरलेस चार्जर बम ऑन करके मुख्तलिफ जगहों पर छुपा दिए थे। फिर वो तीनों रॉल्फ की रिहायशगाह पर पहुंच गए। एक कमरे की दहलीज से रोशनी बाहर आ रही थी और अंदर से रॉल्फ की तेज आवाज भी सुनाई दे रही थी। इमरान ने दरवाजे को आहिस्ता से दबाया तो वो बंद ना था। रॉल्फ की बात से मालूम हो रहा था कि वो किसी से ट्रांसमीटर पर बात कर रहा है। इमरान दरवाजे से कान लगाए खड़ा सुनता रहा और उसे मालूम हो गया कि ट्रांसमीटर पर उनके मुताले की रिपोर्ट दी जा रही है। वो रस्सी ट्रेस कर ली गई थी, लेकिन इमरान जानता था कि ये बात उन लोगों के जहन में भी ना आएगी कि वो पानी के पाइपों के जरिए अंदर दाखिल हो चुके हैं। वो उन्हें बाहरी तलाश करते रहेंगे। वैसे भी जब रॉल उनके कब्जे में आ जाएगा तो फिर उनके लिए खतरा खत्म हो जाएगा। चुनांचे इमरान अंदर दाखिल हुआ और फिर जैसे ही उसने रॉल्फ के सामने अपना नाम लिया, रॉल्फ लहरा कर गिरा और बेहोश हो गया। इमरान ने रस्सी की मदद से उसे कुर्सी पर बंधवाया और फिर सलाका को वापस भिजवा दिया ताकि वो तालाब में मौजूद दूसरे साथियों को भी यहाँ ले आए, जबकि तनवीर को उसने दरवाजे के बाहर खड़ा होने के लिए कहा ताकि अचानक कोई कमरे में ना आ जाए। इसके बाद उसने रॉल्फ की नाक और मुंह बंद करके उसे होश दिलाया। रॉल्फ वाकई इस बात पर पागल हो रहा था कि इमरान और उसके साथी हेडक्वार्टर में कैसे दाखिल हो गए थे। फिर इमरान ने उसे तफसील बता दी और उसके बाद उसे पूछ-गुछ करता रहा, लेकिन रॉल्फ ने जो कुछ बताया उसके मुताबिक तो कर्नल फरीदी ने वहां मिरास में उसका सारा मिशन ही नाकाम कर दिया था और इमरान कर्नल फरीदी की सलाहियतों से वाकिफ था, इसलिए ये बात अनोखी ना थी। लेकिन इमरान ने जब उसे आजमाने के लिए साथ लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल में बिठाने की बात की तो रॉल्फ का चेहरा एक लम्हे के लिए जर्द पड़ गया था और इस बात से इमरान उलझन में पड़ गया था। उसने सोचा कि कर्नल फरीदी से बात कर ली जाए, फिर रॉल्फ से मजीद बात करे। चुनांचे उसने रॉल्फ की कनपट्टी पर जर्ब लगाकर उसे बेहोश कर दिया और फिर कर्नल फरीदी को फोन किया। कर्नल फरीदी ने गो रॉल्फ की बात की तायद कर दी थी, लेकिन वो खुद भी इस सिलसिले में पूरी तरह मुतमईन नहीं था, इसलिए इमरान ने फैसला कर लिया कि वो रॉल्फ को साथ ले जाए। यहाँ हेडक्वार्टर में ज्यादा देर ठहरना भी गलत था, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था, इसलिए इमरान रॉल्फ को होश में ले आया और फिर अपने मखसूस अंदाज के तशद्दुद से उसने हेडक्वार्टर के बारे में सारी तफसीलात रॉल्फ से हासिल कर ली। चुनांचे उसने एक बार फिर रॉल्फ को बेहोश किया और फिर रॉल्फ की आवाज में उसने हेडक्वार्टर की एयर सर्विस के चीफ क्राउन को फोन करके उसे एक बड़ा हेलीकॉप्टर लेकर अपनी रिहायशगाह पर पहुंचने का हुक्म दिया ताकि वो खुद जाकर इमरान और उसके साथियों को तलाश कर सके। और फिर थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा खुसूसी साख का हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया। उसके पायलट को खत्म करना मुश्किल साबित ना हुआ और उसे रॉल्फ के कमरे में डालकर वो सब उस हेलीकॉप्टर में सवार हुए और रॉल्फ को भी उन्होंने साथ बिठा लिया। पायलट सीट इमरान ने खुद संभाल ली और फिर यह हेलीकॉप्टर बड़े इत्मीनान से प्रवास करता हुआ हेडक्वार्टर से बाहर आ गया। इमरान ने एक चक्कर जंगल पर लगाया और फिर उसका रुख उसने एरिजोना की तरफ कर दिया। वो अब जल्द अज जल्द एरिजोना पहुंचकर वहां से किसी चार्टर जेट तैयारी के जरिए मिरास पहुंचना चाहता था, लेकिन एरिजोना से पहले उसने हेलीकॉप्टर को पहाड़ियों के दरमियान एक मुस्तैद चट्टान पर उतार लिया। अब इस रॉड को उठाकर बाहर ले आओ ताकि ये यहाँ बुलंदी से अपने हेडक्वार्टर की तबाही का नजारा आसानी से कर सके, इमरान ने अपने साथियों से कहा और हेलीकॉप्टर से उतर गया। चंद लम्हों बाद उसके सारे साथी भी नीचे उतर आए और बेहोश रॉल्फ को भी उतार लिया गया। उसके दोनों हाथ रस्सी की मदद से उसके उकब में बंधे हुए थे। इसे होश में ले आओ, इमरान ने कहा तो सफदर ने रॉल्फ का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिए
और जब उसके जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो सफदर पीछे हट गया। चंद लम्हों बाद ही चट्टान पर पड़े हुए रॉल्फ ने कराहते हुए आंखें खोल दी। इसे उठाकर खड़ा कर दो, इमरान ने कहा और सफदर ने झुककर रॉल्फ को बाजू से पकड़ा और एक झटके से खड़ा कर दिया। क्या मतलब, ये मैं कहां हूं, ये तुम सब, ओ ये तो, रॉल्फ ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में इधर उधर देखते हुए कहा। तुम एरिजोना के करीब पहाड़ियों पर मौजूद हो रॉल्फ, हम तुम्हारे ही खसूसी हेलीकॉप्टर पर बैठकर इत्मीनान से तुम्हारे हेडक्वार्टर से बाहर आ गए हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ये कैसे हो सकता है, मेरे हुक्म के बगैर तुम्हें हेलीकॉप्टर कैसे मिल सकता है, और फिर तुम्हें एयर सर्विस वालों ने चेक क्यों नहीं किया, रॉल्फ के लहजे में यकीन न आने वाली कैफियत थी। इसलिए कि क्राउन को यही मालूम है कि हेलीकॉप्टर रॉल्फ ने खुद तलब किया है और वो इस हेलीकॉप्टर में सवार होकर खुद पाकिस्तानी एजेंटों को तलाश करने जा रहा है, इसलिए किसी चेकिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता था, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओ तुम लोग तो मेरी तवक्को से भी बढ़कर खतरनाक हो, मैंने तो कभी ख्वाब में भी ऐसा ना सोचा था, रॉल्फ ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। उसके लहजे में शिकस्त का तासुर नुमाया था। हमें भी तुम्हारे हेडक्वार्टर तक पहुंचने में बेहद मेहनत बल्कि सही मायनों में मशक्कत करनी पड़ी है, वरना तुमने तो वाकई अपने हेडक्वार्टर को नाकाबिल तस्कीर बना रखा था, लेकिन तुमने ये नहीं पूछा कि हम यहाँ पहाड़ियों में क्यों उतरे हैं और तुम्हें होश में क्यों लाया गया है, इमरान ने कहा। ओ वाकई, रॉल्फ ने चौंक कर कहा। मैंने तुम्हें वहां भी बताया था कि हमें तुमसे या तुम्हारे हेडक्वार्टर से बराह रास्त कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस के इनेकास से दिलचस्पी है, इसलिए अगर तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हारा कोई ग्रुप वहां क्या काम कर रहा है और कहां है, तो तुम्हारा हेडक्वार्टर तबाह होने से बच जाएगा और तुम्हें भी जिंदा छोड़ा जा सकता है, वरना दूसरी सूरत में तुम्हारा हेडक्वार्टर भी तबाह हो जाएगा और तुम्हारी लाश भी इन पहाड़ियों में पड़ी रहेगी जिसे गिद नोचते रहेंगे, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने जेब से वायरलेस बम का डिचार्जर निकालकर हाथ में ले लिया। रॉल्फ की नजरें डिचार्जर पर जम गई, उसके चेहरे पर दहशत के तासुरात नमूदार हो गए। क्या मतलब, क्या तुमने वाकई असला खाने में वायरलेस बम रखा है, रॉल्फ ने दहशतजदा लहजे में कहा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ नहीं प्लीज, हेडक्वार्टर मत तबाह करो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी, इसे बिल्कुल सबूताज नहीं होने दूंगा, और मेरा वादा कि आइंदा पाकिस्तान या किसी भी इस्लामी मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करूंगा, रॉल्फ ने इंतहाई दहशतजदा लहजे में कहा। कॉन्फ्रेंस में अभी कुछ वक्त है, इसलिए मैं तुम्हारे वादे पर कैसे एतबार कर लूं, इमरान ने कहा। पहले तुम हलफ उठाकर वादा करो कि तुम हेडक्वार्टर तबाह नहीं करोगे और मुझे भी जिंदा छोड़ दोगे, फिर मैं तुम्हें अपने उस ग्रुप के मुतालिक बता देता हूँ जो कॉन्फ्रेंस की तबाही के लिए काम कर रहा है, और उसने हर कीमत पर कॉन्फ्रेंस हॉल तबाह कर देना है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी, रॉल्फ ने कहा। तो इमरान ने हलफ ले लिया। तो सुनो, वहाँ मेरा एक खसूसी ग्रुप काम कर रहा है, उसका इंचार्ज मार्क है, वो मिसाइल फायरिंग का खसूसी माहिर है, वो कॉन्फ्रेंस हॉल पर मिसाइल फायर करेगा, बस मैं इतना जानता हूँ, रॉल्फ ने कहा। ये मार्क इस वक्त कहाँ होगा, इमरान ने होंठ बीचते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम, उसने कहा था कि ट्रांसमीटर कॉल कैच हो सकती है, इसलिए मैं उससे रब्ता भी ना करूँ और ना उससे तफसील पूछूं, वो कॉन्फ्रेंस हॉल तबाह करके खुद ही मुझे कॉल करेगा, रॉल्फ ने जवाब दिया। और इमरान उसके लहजे से ही समझ गया कि वो जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है। उसकी फ्रिक्वेंसी बताओ, इमरान ने कहा। उसने कहा था कि वो ट्रांसमीटर तोड़ देगा ताकि मैं उसे कॉल ना कर सकूं, वो ऑस्टिन और उसके ग्रुप की गिरफ्तारी की वजह से खौफजदा था, रॉल्फ ने जवाब दिया। इस मार्क का हुलिया और कदोकमत तफसील से बताओ, इमरान ने होंठ बीचते हुए कहा। तो रॉल्फ ने तफसीलात बता दी। क्या वो असल नाम और हुलिये से वहां गया है, इमरान ने पूछा। नहीं, जाहिर है वो ऐसा कर ही नहीं सकता, और मुझे वाकई मालूम नहीं है कि वो किस हुलिये और नाम से वहां गया है, ऑस्टिन को मालूम होगा, रॉल्फ ने कहा। फिर उसे कैसे ट्रेस किया जा सकता है, तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते, इमरान ने यकलक तलक लहजे में कहा। जो कुछ मुझे मालूम था वो मैंने बता दिया है, इससे ज्यादा वाकई मुझे मालूम नहीं है, रॉल्फ ने कहा। वो फ्रीक्वेंसी बताओ जिस पर तुम उसे कॉल करते थे, इमरान ने कहा। तो रॉल्फ ने फ्रीक्वेंसी बता दी। सामान से लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर निकल लाओ सफदर, इमरान ने सफदर से मुखातिब होकर कहा, और सफदर ने अजबात में सर हिला दिया और फिर हेलीकॉप्टर की तरफ मुड़ गया जिसमें सामान पड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो एक लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर लेकर वापस आ गया। इमरान ने उस पर वही फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की जो रॉल्फ ने बताई थी। हेलो, रॉल्फ कॉलिंग, ओवर, इमरान ने रॉल्फ की आवाज में कॉल देना शुरू कर दी, और रॉल्फ इस तरह हैरान होकर इमरान की तरफ देखने लगा जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ना आ रहा हो। यस, मार्क अटेंडिंग यू चीफ, ओवर, अचानक दूसरी तरफ से एक आवाज उभरी और रॉल्फ बेख्तियार चौंक पड़ा। मार्क तुम, इमरान ने बोलना शुरू किया ही था कि यकलक रॉल्फ चीख पड़ा।
खतरा मार, रॉय ने चीखते हुए कहा कि सफदर ने झपक कर उसका मुंह हाथ से बंद कर दिया। लेकिन बहरहाल ये दोनों लफ्ज दूसरी तरफ ट्रांसमिट हो चुके थे और उसके साथ ही यकलक ट्रांसमीटर का रब्ता खत्म हो गया। आज पहली बार मुझे अपने अंदाजे की गलती पर अफसोस हो रहा है। मेरा ख्याल था कि तुम इतनी बड़ी तंजीम के सरबरा हो, आलमी सतह पर तुम्हारा नाम है, इसलिए तुम में इतनी अकल तो बहरहाल होगी कि तुम एक मिशन की नाकामी पर अपनी जिंदगी और अपना हेडक्वार्टर बचाने को तरजीह दोगे। लेकिन तुम दुनिया के सबसे बड़े अहमक साबित हुए हो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं ये फ्रिक्वेंसी ट्रेस नहीं कर सकता? फ्रिक्वेंसियाँ इस तरह अटकल पचों से नहीं बनाई जाती, इनका बाकायदा हिसाब किताब होता है। अब जबकि मुझे मालूम हो गया कि मार्क वहाँ काम कर रहा है, तब उसे तलाश करके खत्म करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम्हारा हेडक्वार्टर अब नहीं बच सकेगा। इमरान ने सफदर को उसके मुंह से हाथ हटाने का इशारा करते हुए कतरे गुस्से लहजे में कहा, मुझसे वाकई गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, तुमने हलफ उठाया हुआ है। रॉब ने रो देने वाले लहजे में कहा, गलती हुई नहीं, तुमने दानिश्ता ऐसा किया है, समझे, और गलती की तो माफी हो सकती है, दानिश्ता की गई कार्रवाई की माफी नहीं हो सकती। अब देखो अपने हेडक्वार्टर का हशर, इमरान ने गुर्राते हुए कहा, और उसके साथ ही उसने जेब में वापस रखा हुआ डिचार्जर बाहर निकाल लिया। रुक जाओ, फॉर गॉड सेक रुक जाओ, मत तबाह करो। रॉन ने यकलक हिज्यानी अंदाज में चीखते हुए कहा, लेकिन इमरान ने बड़े सर्द मोहराना अंदाज में डिचार्जर का बटन प्रेस कर दिया। उस पर लगा हुआ जर्द रंग का बल्ब जल उठा। ये इस बात की निशानी थी कि हेडक्वार्टर के असलह खाने में लगे हुए तमाम बम फायर हो सकते हैं। रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता, रुक जाओ, रॉब ने घिघियाते हुए लहजे में कहा। मेरे खुदा ने तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम आलमी दहशतगर्द बनकर हजारों बेगुनाह लोगों को हलाक करते रहो? तुम्हारा क्या ख्याल है कि जिस कॉन्फ्रेंस हॉल और जिन इमारतों को तुम तबाह करने की कोशिश कर रहे हो उनमें इंसान नहीं होंगे, और तुमने हेडक्वार्टर में जो बेपनाह और इंतहाई हलाकत खेज असलह इकट्ठा कर रखा है, उस असले से तुम सिर्फ शैतानों को हलाक करोगे, इमरान ने गुर्राते हुए कहा, और उसके साथ ही उसने डिचार्जर का दूसरा बटन प्रेस कर दिया। बटन प्रेस होते ही जर्द रंग का बल्ब बुझ गया और उसके साथ मौजूद दूसरा सुर्ख रंग का बल्ब एक लम्हे के लिए जला और फिर बुझ गया, और इमरान ने डिचार्जर एक तरफ उछाल दिया। दूसरे लम्हे दूर से इंतहाई खौफनाक गड़गड़ाहट और इंतहाई खौफनाक धमाकों की मुसलसल आवाजें सुनाई देने लगी, और उसके साथ ही इस तरह शोले आसमान की तरफ बुलंद हुए जैसे अचानक कोई आतिशफिशा पूरी कुवत से फट पड़ा हो। ओ ये क्या हो गया है ये? रॉन ने यकलक घुटनों के बल नीचे गिरते हुए कहा, और फिर वो मुंह के बल नीचे गिरा और साकित हो गया। इसे होश में ले आओ ताकि ये अच्छी तरह अपने हेडक्वार्टर को तबाह होते देख सके। इसने अपने आप को लोगों की मौत व जिंदगी का मालिक समझ लिया था। इसका ख्याल था कि इसे कभी शिकस्त नहीं हो सकती, इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा, और सफदर तेजी से नीचे झुका, लेकिन दूसरे लम्हे वो बेख्तियार एक तवील सांस लेकर सीधा हो गया। ये खत्म हो चुका है, सफदर ने कहा, तो इमरान समेत सब लोग बेख्तियार उछल पड़े। खत्म हो गया, क्या मतलब? इमरान ने हैरान होकर कहा। इसका दिल बंद हो गया है, सफदर ने जवाब दिया। ओ, दूसरों को तबाह करने वाला इस कदर बुजदिल निकला कि अपने हेडक्वार्टर को भी तबाह होते ना देख सका। आलमी दहशतगर्द, इमरान ने बड़े हिकारत भरे लहजे में कहा। आग के शोले उसी तरह आसमान की तरफ बुलंद होते रहे और गड़गड़ाहट और धमाके उसी तरह जारी थे। वो जहाँ ये लोग मौजूद थे वहां से हेडक्वार्टर काफी दूर था, लेकिन उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे ये सब कुछ उनके बेहद करीब हो रहा हो। इमरान साहब, हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द तो घना जंगल है, इस आग से अगर जंगल को आग लग गई तो फिर सारा जंगल तबाह हो जाएगा, सफदर ने कहा। नहीं, ये इंतहाई मरतूब आबोहवा का जंगल है, अव्वल तो इसे आग नहीं लगेगी, और अगर लग भी गई तो जल्दी खुद ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऐसे जंगलों के दरख्तों के अंदर इस कदर नमी होती है कि आग पहलती नहीं है, इमरान ने जवाब दिया। तो सफदर और दूसरे साथियों ने अजबात में सर हिला दिए। रॉन के हाथ खोल दो और इसे उठाकर इस दरिया में फेंक दो ताकि इसकी लाश खुद ही पानी में बहती हुई अपने हेडक्वार्टर तक पहुंच जाए, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा और वापस हेलीकॉप्टर की तरफ मुड़ गया। मार्क कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसके सामने मौजूद मेज पर एक सुर्ख रंग के मिसाइल के चंद खुले हुए हिस्से मौजूद थे, और वो इन हिस्सों को मशीन की मदद से जोड़ने में मसरूफ था। ये एक गार था जिसका दहाना एक बड़े से पत्थर से मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था। गार की एक दीवार के साथ रखी हुई लोहे की पोर्टेबल मेज थी जो मुस्तकिल शक्ल की थी। उस पर तकरीबन 3 फीट ऊंची लेकिन खासी लंबी इंतहाई जदीद तर्ज की मशीन पड़ी हुई थी जिस पर बेशुमार मीटर और डायल लगे हुए थे। इस मशीन के सामने एक कुर्सी पर एक नौजवान बैठा हुआ था। वो इस मशीन के मुख्तलिफ बटनों को एडजस्ट करने में मसरूफ था कि अचानक तेज सीटी की आवाज से गार गूंज उठा, तो मार्क और उसका साथी दोनों यकलक उछल पड़े।
ट्रांसमीटर कॉल, मगर मैंने तो चीफ को कह दिया था कि मुझे कॉल न करे, मार्क ने कहा और उसके साथ ही वो कुर्सी से उठा और एक तरफ रखी हुई छोटी सी लोहे की अलमारी की तरफ बढ़ गया।